नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी केस में फैसला आ गया। फैसला इस पर नहीं आया कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी का पूजन होगा या नहीं होगा, अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। फैसला इस बात पे आया है कि ये केस चल सकता है। जो मुस्लिम पक्ष इस बात पे जोर दे रहा था कि वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक ये केस चल ही नहीं सकता, इस पे फैसला आया। स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है कि अब ये फैसला लागू होगा, आगे सुनवाई होगी और फिर उनके हक में फैसला आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के काफ़ी उदास है, उसे लेकर के हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसमें दो विचारणीय प्रश्न है कि क्या वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये आता है कि नहीं आता है, और दूसरा ये कि इस फैसले का असर क्या होगा। मान लीजिए ज्ञानवापी आगे चल करके हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता है, फिर उसका आगे असर क्या होगा। क्या काशी मथुरा जो करवट लेगा उसका असर देश के अन्य मंदिरों पे और धार्मिक स्थलों पे पड़ेगा। तो देखिए, एक बात क्लियर है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो ये कहता है कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 की धार्मिक स्थलों की जिस स्थिति थी वही स्थिति रहेगी अयोध्या को छोड़ करके, क्योंकि तब तक अयोध्या में कांड हो चुका था। इसमें क्या है कि महिलाओं ने कहा है कि श्रृंगार गौरी जो वहाँ पे ऑलरेडी ज्ञानवापी में हैं उनका पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू दूसरा हो जा रहा है, पूजन का अधिकार मांगा जा रहा है। यथास्थिति बदलने की बात नहीं है, पूजन का अधिकार मांगा जा रहा है। और दूसरा जो सवाल है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा, तो तय मानिएगा निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं और उस पर बहस होने वाली है जल्दी ही कि ये जो एक्ट बना है ये संवैधानिक है नहीं है। अच्छा, एक्ट के साथ क्या है कि किसी भी स्तर पर कभी भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो वो एक अलग इशू है। अब इधर क्या हुआ है कि जैसे ही ये फैसला आया, सबसे ज़्यादा इस मसले को लेकर के कौन एग्रेसिव है और कौन जश्न मना रहा है, तो हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि करवट लेते मथुरा काशी। मतलब एकदम साफ आगे की बात बता रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ से सबसे ज़्यादा आक्रामक है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इधर से असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, उन्होंने कहा कि हम 1980 के दशक में देश को लेकर के जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। साथ में ये भी बात जोड़ते हैं कि जैसे ही अयोध्या पे फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी समय हमने आशंका जता दी थी कि आगे अब जो है और भी मुद्दे उठेंगे, और मुद्दे उठेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम 80 के दशक में। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को ये लड़ाने की कोशिश होगी जैसा कि उनका मानना है। अब बात आती है कि इसमें सरकार का क्या रोल लगा और राजनीति कहाँ से घुसेगी। तो तय मानिएगा 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और अब ये मामला गर्म ही रहेगा, क्योंकि राजनीति की खासियत ये होती है कि वो जो दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने चल रही होती है। ज्ञानवापी का मुद्दा और मथुरा का मुद्दा दोनों एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदुओं के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जितने 20,000 धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं कि ऐसे केस हुए जो ढाहा करके बनाए गए, अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कैसे वो साबित होगा, वो सारी बातें अलग है क्योंकि मुकदमे में तथ्य देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब ये मामला शांत होता हुआ सा नहीं दिख रहा है और राजनेता तो इसको शांत होने ही नहीं देंगे। तो उधर से जो बीहिप के यानी विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका भी आया है ट्वीट कि इसको लेकर के जस्ट मनाने की जरूरत नहीं, जो कानून कह रहा है कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत है, इसे जीत हार के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। तो लबल हुआ भी ये है कि अब ये मामला शांत होने वाला नहीं है। मथुरा काशी का मुद्दा उठेगा, मथुरा काशी के बाद अन्य धार्मिक स्थलों में जो पहले बदलाव किए गए हैं उसका भी मुद्दा उठेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में से पहले ये डिसाइड होगा कि वर्शिप एक्ट 1991 में ये सब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस आधार पर चैलेंज किया गया, उस सारी बातें देखी जाएगी। और तब तक जो है राजनेता इसे गरमाए रखेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।